हाय हेलो, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेड बटर टोस्ट पे, और मैं सोम आपके साथ। एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन, कुछ एक्सरसाइज हैं जो एक एक्टर को रेगुलर करने की जरूरत है। उनका नेट प्रैक्टिस, आपका नेट प्रैक्टिस ठीक रहेगा तभी आप धीरे धीरे डेवलप कर पाएंगे। कहां से शुरू करें? बहुत लोग शुरू कर चुके हैं और बहुत लोग शुरू करने के लिए बस एक स्टेप पीछे हैं या शुरू करके एक स्टेप आगे चले गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक्सरसाइज करें हम घर पे? तो हम इमेजिनेशन पावर को कैसे बढ़ाएं, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? बहुत लोगों का यह मानना है कि मेडिटेशन करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन मेडिटेशन किस तरह की मेडिटेशन? बहुत तरह की मेडिटेशन है कि एक एक्टर के लिए मेडिटेशन किस तरह से हम करें कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, क्योंकि शुरू शुरू में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बिल्कुल ही। हम कुछ सोचते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है, कुछ सोचते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर पकड़ के लाना पड़ता है, और हम खुद कभी कभी भूल भी जाते हैं। हो सकता है आप ये सब बात सुन रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और चला गया, आप रियलाइज कर रहे हैं कि मैं तो कहीं और चला गया था ये सब सुनते सुनते। तो अक्सर होता है, बचपन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप कहते हैं अरे मन कहाँ रहता है तुम्हारा, तो मन होता है जो माइंड, वो कहीं और चला जाता है। और ये बचपन से हमारे साथ होता है, लेकिन उसको अपने आदत में शामिल करना है कि हम अपने माइंड को कहीं और जाने नहीं देंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे और वो मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो शुरू करते हैं। आप अपने घर के किसी भी कोने पे बैठे, शांत जगह पे बिल्कुल, और देखें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आप जब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं किसी चीज पे, शुरू शुरू में अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है, कोई आके बीच में टोक देता है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्रेक हो जाता है बीच में से। तो आपको जहां पहुंचना होता है एक प्रोसेस के जरिए, वो प्रोसेस बीच में कट जाता है, तो आप पहुंच नहीं पाते। तो अपने घर के किसी भी एक कोने पे बैठे शांति से, 10-15 मिनट, रोज करें, कभी भी करें, किसी भी वक्त कर सकते हैं आप, बट सुबह शाम को करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए सुबह तो बहुत ही अच्छा। अभी YouTube से एक बहुत ही हल्का कोई म्यूजिक चला दे, कोई भी पीसफुल म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, बहुत ही हल्के से चला दे, ओके, और बैठे बिल्कुल पद्मासन में, ये है पद्मासन, और अपना स्पाइन स्ट्रेट रखें, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और फिर आंख बंद करके अपना जो घर है, रूम है आपका, रूम के हर कोने में क्या क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल आप देखें, क्योंकि आपने बहुत बार देखा है, तो देखिए कि आप जो देखना चाहते हैं क्या वो आप देख पा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे देखिए, अपने मन में सोचिए कि क्या देख रहा हूँ, अच्छा दरवाजा, दरवाजे के बाद यहाँ पे है टेबल, है टेबल के ऊपर किताब है, ये कौन सी किताब है, तो अपने मन में सोचें ये सब चीज, और हर एक चीज को बहुत डिटेल में देखें। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन शायद नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन नहीं होगा, पांचवे दिन होगा, छठे दिन हो रहा है, या किसी के लिए पहले दिन हो जाता है, किसी के लिए एक महीना तक नहीं होता, लेकिन जब तक नहीं होता आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसे आप कोशिश करते रहेंगे आप जरूर एक दिन अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई मैजिक या ट्रिक तो नहीं है, ये ओनली प्रैक्टिस है। और जैसे ही आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे आप धीरे धीरे यहां तक पहुंच पाएंगे। तो आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन करने की ये जो पहला एक्सरसाइज है, कॉन्सेंट्रेट और इमेजिनेशन वाली, कि कॉन्सेंट्रेशन भी हो और आप इमेजिनेशन भी हो, ये दोनों एक चीज में हो सकता है, तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें और 15 मिनट तक करें। अगर आप 20 मिनट चला जाते हैं, 25 मिनट चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट आपको करना ही है, 10 मिनट, उसके पहले आंख खोलना नहीं है और मन में सोचना नहीं है कि 10 मिनट हुआ कि नहीं, 10 मिनट हुआ कि नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें, लेकिन इस कॉन्सेंट्रेट ये जो कर रहे हैं आप, इसके वजह से आप कोई भी काम कर रहे हैं,
जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आप झट से गुस्सा हो जाते हैं, कैसे कंट्रोल करो यार, गुस्सा हो जाता हूं इतना। कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, लेकिन उसके लिए एकदम से प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये पहला टास्क। और इस एपिसोड के बारे में अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है आपके मन में, जो भी है, खुल के मुझे कमेंट में बता दें, ओके? और हमारा एक ग्रुप भी है फेसबुक में, ब्रेड बटर टोस्ट का एक ग्रुप भी है। उस ग्रुप में जाके आप अपना जो सवाल है, जो परफॉर्मेंस आप करते हैं, जो आप सीख रहे हैं, वो भी पोस्ट कर सकते हैं वहां, मुझे रिक्वेस्ट भी भेज दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने रहें, ओके? शुक्रिया, बाय।